वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ फोर्स ये टॉपिक का 14th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द गिवन पैरेलल फोर्स सिस्टम अबाउट पॉइंट ए। तो देखो ये फोर्स सिस्टम की बात हो रही है, ये फोर्स सिस्टम एक पैरेलल फोर्स सिस्टम है ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ गिवन जो फोर्स सिस्टम है वो एक पैरेलल फोर्स सिस्टम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार फोर्सेस हैं और ये चारों पैरेलल टू ईच अदर है। उनमें से जो तीन फोर्सेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और एक बार है यहाँ पे, ठीक है ना, बार बोलो या रॉड बोलो या बीम बोलो, और यहाँ पे ये बीम का एंड ए है। और ये सभी जो पैरेलल जो चारों जो फोर्सेस है पैरेलल फोर्सेस, उन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 1 मीटर ईच। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पैरेलल फोर्सेस है वो हॉरिजॉन्टली कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो यहां पे दिया है। ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री से इंक्लाइन है। इट मींस जो हॉरिजॉन्टल जो लेवल होता है ना, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री से इंक्लाइन है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट दी है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, हम उसको हाईलाइट करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो यहां पर क्या दिया है, ये देखिए यहां पर सिंबॉल दिया है, परपेंडिकुलर का सिंबॉल दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहोगे इसका क्या रोल है, ये परपेंडिकुलर दिया है कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्यों बहुत बड़ी बात है? वो इसीलिए क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं दिया होता तो फिर हमें मोमेंट फाइंड आउट करते समय दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट मीन्स जब आप मोमेंट लेते हैं तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर डिस्टेंस फोर्स पे परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर वो डिस्टेंस आप लिख नहीं सकते, फिर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसमें साइन थीटा कॉस थीटा के फार्मूलेज वगैरह अप्लाई करके फाइंड आउट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अगर ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो सॉल्व करने में आसानी होती है। तो यहां परपेंडिकुलर सिंबॉल दिया है, इसका मतलब यह है। और ये जो परपेंडिकुलर सिंबॉल है ये सिर्फ एक ही फोर्स से रिलेटेड दिया है। देखो ये 100 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन बीम के ऊपर परपेंडिकुलर एक ही जगह सिंबल दिया है। अब आप कहोगे एक ही सिंबल दिया है, इसका मतलब ये जो बाकी के जो फोर्सेस है क्या वो परपेंडिकुलर नहीं है? सभी के सभी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये सभी के सभी पैरेलल फोर्सेस है ना। तो अगर सभी पैरेलल है तो सभी फोर्सेस का एंगल जो बीम है जो रॉड है उसके साथ 90 का ही इसका मतलब दिया है। इसलिए हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो फाइनली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्या क्या दिया है हमने आपको पूरा बता दिए। चार फोर्सेस है, चारों पैरेलल है, चारों फोर्सेस ये रॉड ये बीम के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये चारों फोर्सेस इंक्लाइन है बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक का एंगल 60 डिग्री है तो चारों का एंगल भी 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि चारों के चारों इंक्लाइन है और चारों के चारों पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, अब ये एंगल का आगे चल के यूज होगा या नहीं वो हम बाद में देखते हैं। चलो अब फाइनली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम, मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करो। डायरेक्टली हम यहां पे लिख लेंगे और ये प्रॉब्लम हम एक नहीं दो मेथड से आपको सॉल्व करा के देंगे। देखो दोनों मेथड आपको समझ में आना चाहिए, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बुक्स में एक वे से दिया है क्लॉकवाइज वे से दिया है तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज वे से दिया है। हम आपको दोनों मेथड बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करना आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वही मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे मोमेंट का इक्वेशन। सो समेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है, और मोमेंट आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो मोमेंट कहां पे अप्लाई करना है ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया है कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। सो समेशन ऑफ एम ए, ठीक है, और यहां पे हमने क्या लिखे, ये समेशन का सिंबल, समेशन ऑफ एम ए मतलब समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, मतलब यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। और समेशन करने का रूल हम यहां लिख लेंगे क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस। देखो ये क्लॉकवाइज प्लस ये लेके सॉल्व करना ये कंपलसरी नहीं है, ये चॉइस आपकी है कि आपको क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करना है या एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट मेथड रहेंगी उसमें हम ये प्रॉब्लम क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करा के बताते हैं, फिर आपको यही एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके भी सॉल्व करके बताते हैं। ये देखो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस, इसके थ्रू भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। दोनों के थ्रू देखना आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ठीक है,
तो दोनों समझना जरूरी है। तो चलो हम यहां पे अप्लाई करेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, सभी फोर्सेस का मोमेंट। लेकिन मोमेंट अप्लाई करते समय मोमेंट का जो रूल है वो आपको पहले यहां पे चेक करना पड़ेगा। मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने कहां पे अप्लाई किया है, ए पॉइंट पे, तो ए से जो भी फोर्स पास होगा वो जीरो, इट मींस उसका मोमेंट जीरो। तो देखो ए से यहां पे चार है, चार में से कितने फोर्सेस ए से पास हो रहे, तो चार में से सिर्फ एक फोर्स कौन सा, 300 न्यूटन। ये 300 न्यूटन सिर्फ ए से पास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 300 जीरो हो जाएगा, इट मींस 300 का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो हो जाएगा, तो 300 मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। क्यों जीरो हुआ, क्या रीजन है, वो इसीलिए क्योंकि 300 का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है। 300 खुद ए से जा रहा है, 300 का डिस्टेंस ए से जीरो है, इसलिए उसका मोमेंट भी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो गया तो ऑब्वियसली मोमेंट जीरो होना तय है। ठीक है, तो फाइनली 300 जीरो हो गया। बाकी के जो फोर्सेस है वो सब सेफ है, 500 200 100, बाकी ये जो तीन फोर्सेस है ये तीनों में से कोई भी ए से पास नहीं हो रहा है, तीनों की तीनों सेफ है, तीनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। ठीक है, तो चलो हम यहां पे मोमेंट की इक्वेशन में समेशन करेंगे। और पहला रूल क्या है, क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, इट मींस जो भी फोर्स ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है उसको हम प्लस में लेंगे, और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम माइनस में लेंगे। तो देखो 500 हम चेक करेंगे, देखो 500 ऐसा जा रहा है ऊपर, तो ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखो ऐसा, इस तरह से 500 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम माइनस में लेंगे। 200 चेक करो, 200 ए के नीचे से इधर जा रहा है, तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये 200 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, ये देखो है ना, ये 200 ऐसा क्लॉकवाइज है, और ये 100 भी 500 के समान ऊपर जा रहा है, तो 100 भी एंटी क्लॉकवाइज है, 500 एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसी के जैसा 100 है वो भी ए पॉइंट की रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से वो जा रहा है, ऐसा ए पॉइंट की रिस्पेक्ट में ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो 500 एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव में आएगा, 100 एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव में आएगा, 200 एंटी, ये 200 क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यहां पे तो चलो हम यहां पे लिखते हैं मोमेंट का इक्वेशन, तो हम यहां पे लिख लेंगे माइनस 500 इनटू डिस्टेंस करना है, इनटू डिस्टेंस 1, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला हमने क्या बताया थी थोड़ी देर पहले, मोमेंट का फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और जो डिस्टेंस आप लिख रहे हैं वो फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और आपने मोमेंट जहां अप्लाई किया है वहां से आपको डिस्टेंस काउंट करना है। आपने मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है तो ए से लेके 500 तक का, ये देखो ये 500 फोर्स है, ए से लेके 500 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर भी है, सो 500 इंटू 1। उसके बाद ये 200, ये हमने क्या कहा था क्लॉकवाइज, तो प्लस 200 इंटू ए से लेके 200 तक का लेंथ, ए से लेके 200 तक का लेंथ क्या है 2 मीटर, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर भी है, सो इनटू 2। उसके बाद ये 100, ये एंटी क्लॉकवाइज, 100 एंटी क्लॉकवाइज इनटू ए से लेके 100 तक का लेंथ 3, सो माइनस 100 एक मिनट, माइनस ऑफ 100 इनटू 3। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करो, तो ये होगा माइनस 400 न्यूटन मीटर, इसका यूनिट न्यूटन मीटर, क्यों, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, लेकिन देखो मोमेंट का जो आंसर है वो निगेटिव में आया, निगेटिव में आया, इसका मतलब ये है कि मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, क्योंकि हमने रूल क्या लिखा है, देखो रूल हमने समेशन का यहां पे ये लिखा है कि जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो प्लस, क्लॉकवाइज है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, है ना। यहां पे मोमेंट का आंसर माइनस में आया, इसका मतलब मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मोमेंट का आंसर प्लस में आता है तो हम कहते हैं कि वो क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, तो अगर आप यहां पे एक काम करेंगे, माइनस साइन को अगर आप हटा देंगे तो हम यहां पे इसको ऐसा लिख लेंगे 400 न्यूटन मीटर, और ब्रैकेट में अब हम यहां लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना, अगर आपको यहां पे निगेटिव साइन हटाना है तो निगेटिव साइन हटाने के बाद आपको ये ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है कि जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आपने निगेटिव साइन हटा के अगर आपने कुछ भी नहीं लिखे तो फिर वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज वर्ड लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखो। अगर आंसर निगेटिव में आया, निगेटिव साइन को आपने हटा दिए, और अगर आपने पॉजिटिव में लिखे तो ये साइड में लिखना कंपलसरी है। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक मेथड, अब चलो दूसरे मेथड से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं सेम प्रॉब्लम
दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड मतलब ये जिसमें हमें क्या करना है, मोमेंट फिर से अप्लाई करना है, लेकिन इस बार हम यहां पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करने पर क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस अगर पॉजिटिव लेना है तो देखो 500 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, 100 ये भी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये दोनों ये इक्वेशन में पॉजिटिव में आएंगे। इसके पहले दोनों यहां पे निगेटिव में आए थे, लेकिन इस बार वो पॉजिटिव में आएंगे। और 200 जो है वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, मतलब ये निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे 500 × 1। ठीक है, उसके बाद उधर का 100 चलो वो बाद में लेंगे, पहले 200 लेंगे, -200 × 2। ठीक है, और फिर वो 100 प्लस में 100 × 3। प्रॉपरली चेक करो दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट में और ये स्टेटमेंट में डिफरेंस बस ये है, साइन का डिफरेंस है, जो यहां माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, बस वही एक डिफरेंस है। तो आंसर ऑब्वियसली वही आएगा, लेकिन लेकिन इस बार माइनस में नहीं आएगा। देखो इसके पहले हमने सॉल्व किए, -400 आया, फिर हमने माइनस साइन को हटाए तो फिर ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज लिखे। इस बार जो है यहां पे डायरेक्टली आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, और अब ब्रैकेट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपने आगे चल के कुछ नहीं लिखे यहां तो भी चलता है। और अगर आपको लिखना ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना ही है कि यहां पे क्या है स्टेटस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे सुनो, पहले ये बताओ हमें आंसर इसका माइनस में आया क्या, नहीं आंसर प्लस में आया। इसका क्या मतलब है, आंसर प्लस में आया इसका मतलब ये है कि मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेके सॉल्व करें ना, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंड निगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, है ना यहां पे। तो अगर पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आया, इसका मतलब मोमेंट क्या है, मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप चाहे तो ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने यहां लिख लिए। अब आपको समझ में आया कि हमने यहां पे किस तरह से सॉल्व किए। एग्जाम में आप चाहे तो ऐसा सॉल्व करो या आप चाहे तो ऐसा सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ बुक्स में ये सॉल्यूशन दिया है ये क्वेश्चन का, तो कुछ बुक्स में ये सॉल्यूशन दिया है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको दोनों में से कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएगा। प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये हमने फाइंड आउट करके आपको बता दिए, प्रॉब्लम यहीं पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम, ये मेथड, दोनों मेथड्स जो हमने आपको बताया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके पहले के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स में हमने आपको दो दो मेथड्स के थ्रू सॉल्व करके बताया है, वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं, उससे आपका मोमेंट का जो है ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस तरह के और भी प्रॉब्लम जो है हम आगे चल के सॉल्व करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।